हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर एसएसटी क्लास ऑफ सेवन स्टैंडर्ड। एज यू नो, वी आर कंटिन्यूइंग रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 4, सिविक्स, रोल एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको हेल्थ केयर के बारे में बताया था, जिसमें हमने पब्लिक हेल्थ केयर और प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में पढ़ा था। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो टुडे ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 237। बेटे, हमारा आज का टॉपिक है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। टुडे द प्राइवेट हेल्थ केयर इज़ मोर कॉमन दैन पब्लिक हेल्थ केयर। आजकल जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो पब्लिक हेल्थ केयर की बजाय ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ पर लोगों को सारी सुविधाएँ प्रोवाइड नहीं होती, जबकि जो प्राइवेट सेंटर हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस होती हैं और वहाँ पर लोगों को सारी सुविधाएँ आसानी से मिल जाती हैं। एज अ रिजल्ट, डिस्पाइट बीइंग कॉस्टली, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज आर बीइंग प्रेफर्ड ओवर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। क्योंकि जो प्राइवेट हेल्थ सेंटर है वो महंगे भी होती हैं, पर फिर भी जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिलती है, इसलिए प्राइवेट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की बजाय वो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को ज़्यादा पसंद करती हैं। द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर हैज़ बीन मेकिंग द सिचुएशन वर्स फॉर द पुअर। क्योंकि आजकल लोगों का प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में रुझान बढ़ रहा है, इससे गरीबों के लिए बहुत मुश्किल की स्थिति पैदा हो गई है। जो गरीब लोग होते हैं उनको खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिल पाता, उनके आसपास सफाई नहीं होती, रहने के लिए अच्छे घर नहीं होते, तो इससे जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो एज ए रिजल्ट द फैमिली फेसेस ए ड्यूल डिस्ट्रेस ऑफ हैविंग ए मेंबर इल एट होम एंड द लैक ऑफ मनी फॉर ट्रीटमेंट। तो इस वजह से उनके लोगों को, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो उनके घर के मेंबर बीमार हो जाते हैं और दूसरा उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते। हाउएवर, इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट द लैक ऑफ मनी स्टॉप्स पीपल फ्रॉम गेटिंग एडिक्यूट ट्रीटमेंट। परंतु फिर हमेशा ऐसे नहीं होता कि मनी की वजह से लोगों का इलाज नहीं हो पाता। इन मोस्ट फैमिलीज इन इंडिया द हेल्थ ऑफ वुमेन इज इग्नोर्ड। इंडिया में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पर वुमेन की हेल्थ को इग्नोर किया जाता है। एक तरफ तो लेडीज़ को अच्छा भोजन नहीं मिल पाता और दूसरे उनकी हेल्थ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं दी जाती। इन रिमोट एरियाज़ द नॉन अवेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट मेक्स द हेल्थ केयर इनएक्सेसिबल टू द पीपल। इसके अलावा जो रिमोट एरियाज़ होती हैं, मतलब जो एरियाज़ बहुत ज़्यादा दूर होती हैं, वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट की कमी होती है, तो इस वजह से जो हेल्थ केयर से जो रिलेटेड सर्विसेज हैं वो लोगों की पहुँच से बाहर होती हैं, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज दोनों की ही कमी होती है। एज ए रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट क्लब्ड विद द हाई कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू ए फार अवे हेल्थ सेंटर मेक्स ट्रीटमेंट आउट ऑफ रीच ऑफ फॉर दिस पीपल। क्योंकि अगर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपना इलाज करवाना है तो उन्हें बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा, और तो इससे उनका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इस वजह से वो अपना इलाज नहीं करवा पाते। वट शुड बी डन? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? द हेल्थ ऑफ द सिटीजन ऑफ ए कंट्री इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कहते हैं कि अगर किसी देश के लोगों की हेल्थ अच्छी होगी तो इसी से ही देश के लोगों का, देश का विकास होगा। हैंस प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी मेड टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द सिटीजन। इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा उपाय किए गए हैं। हाउएवर, दिस कैन ओनली बी अचीव्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज एंड द पीपल ऑफ अवर कंट्री। अगर हम अपने देश के लोगों की सेहत को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार, प्राइवेट कंपनी और लोगों को मिलजुल कर काम करना होगा। लोगों को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड बेसिक इम्यूनिटीज टू द पुअर टू डिक्रीज द चांस ऑफ देम फॉलिंग इल फ्रिक्वेंटली। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, उन्हें अच्छा खाने के लिए उन्हें अच्छा भोजन दिया जाए, पीने के लिए साफ पानी दिया जाए, ताकि वो लोग कम बीमार पड़े। ऑल्सो द प्राइवेट कंपनीज शुड लैंड ए हेल्पिंग हैंड टू द गवर्नमेंट। और साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनी है वो भी गवर्नमेंट को इसमें अपना सहयोग दें, ताकि वो गरीब लोगों को, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो गरीब लोगों को फ्री और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दें। हेल्थ इज़ एन एमलगमेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। हेल्थ में लोगों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सेहत अच्छी होनी चाहिए। दस अनलेस वी इंश्योर द फैसिलिटी टू अचीव दिस फॉर द पीपल, द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द कंट्री विल बी डिफिकल्ट टू इम्प्रूव। तो इस तरह जब तक हम सारे गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल और आम लोग अगर मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो इससे लोगों की हेल्थ को नहीं सुधारा जा सकता। तो अगर हम लोगों की हेल्थ को सुधारना चाहते हैं, अपने देश की तरक्की करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सब लोगों को मिलजुल कर काम करना होगा। हम सरकार की जो ड्यूटी है कि लोगों को वो बेसिक जो सारी सुविधाएं हैं वो अच्छे से प्रोवाइड करें, ताकि लोग कम बीमार पड़े, और जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो सरकार का साथ दे, वो लोगों को फ्री इलाज दे, और ऐसा इलाज दे ताकि लोग उसको अफोर्ड कर सकें। बेटे, इसी के साथ इस चैप्टर की रीडिंग यहाँ पर फिनिश होती है। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो हम उसे लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।